हाय एवरीवन, मैं कविता सिंह और हम बात करने वाले हैं पीरियड के कुछ हैक के बारे में। पीरियड का नाम सुनते ही बड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो इन पीरियड के दिनों को आसान बनाने के लिए मैं कुछ हैक लेके आई हूँ जिसके द्वारा आप इन दिनों को आसान बना सकते हैं। सबसे पहला है, आप कहीं भी जाते हो तो एक बैग रेडी रखो। जैसे आपको डेट मालूम है कि 2-3 दिन के बाद आने वाला है, तो क्या होता है कभी कभी पहले आ जाता है, तो 2-3 दिन पहले का डेट है, तो आप कहीं जाते हो या स्कूल पे हो या कॉलेज पे हो, तो एक बैग रेडी रखो जिसपे आप एक्स्ट्रा पैंटी, एक्स्ट्रा पैड और रीयूजेबल पैंटी आता है आजकल मार्केट में पीरियड पैंटी, तो वो रख सकते हैं। उसको क्या है, एक बार यूज़ करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं धो के सुखा के। और एक लाइनर आता है पैंटी लाइनर, वो भी आप रख सकते हो। और ये हो गया। दूसरा है पेन किलर, आप यूज़ कर सकते हो लेकिन डॉक्टर के सलाह से ही आप पेन किलर यूज़ करना, क्योंकि बार बार पेन किलर यूज़ करना हर मंथ थोड़ा नुकसानदेह है। तीसरा है, जैसे आपका पीरियड है, किसी किसी का 3 दिन आता है, किसी किसी का 4 दिन और किसी का 7 दिन तक आता है। अगर इससे ज़्यादा 12 दिन आ रहा है, 15 दिन आ रहा है, महीने भर आ रहा है, या कभी 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 हर मंथ गिव करके आ रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। चौथा है पेन किलर। पेन किलर ऑयल आता है एक, जिससे आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, नाभि से नीचे दर्द देता है, अगर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है तो उस ऑयल को लेके आप पेट के नीचे कमर पे मालिश कर सकते हो। पांचवा है टैम्पोन यूज़ कर सकते हो, मेंस्ट्रुअल कप आता है वो आप यूज़ कर सकते हो। छठवां है पीरियड के दिनों में आप फ्रूट का यूज़ कीजिए, केला खाइए, डार्क चॉकलेट आते हैं ये खाइए, इससे थोड़ा सा रिलीफ लगता है। और बॉडी जो रहता है ना कि कुछ करने का मन नहीं करता है, बैठे रहो कुछ खाने होने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा मन भी चेंज होता है। तो ये सातवां इलेक्ट्रॉनिक पीरियड पैड या और एक आता है नॉर्मल पीरियड पैड। तो इसमें क्या करते हैं, नॉर्मल पीरियड पैड में आप गुनगुना पानी भर के और उस अच्छे से ढक्कन बंद करके उसको अपने पेट पे रखो, थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है तो थोड़ा अच्छा लगता है। इलेक्ट्रॉनिक वाला क्या है, जैसे आपको पीरियड आया तो बहुत लेजीनेस होता है यार, तो इलेक्ट्रॉनिक वाला अच्छा रहता है, तो कुछ घंटे मतलब कुछ मिनट आप उसको चार्ज करो, उसके बाद वो गर्म हो जाता है, फिर आराम से उसको पेट पे रख के सो सकते हो। आठवां है जैसे कि आपके पास ये नहीं है, आप मार्केट नहीं जा सकते हो लेने, वैसे एक बार ले लिए तो काम आता है हमेशा, बट आप नहीं जा सकते हो कहीं दूर हो, तो सिंपल एक बॉटल में एक गुना पानी भरो और अपने पेट पे रखो, बहुत रिलीफ मिलेगा। नौवां है हर लड़की को थोड़ा सा डर रहता है, जैसे रात को सोए या फिर किसी के यहाँ गए और पीरियड आ गया, तो थोड़ा सा खराब लगता है कि हम सो रहे हैं और अचानक से पीरियड आ जाए, तो फिर से गंदे होने का डर रहता है। तो उस समय पे आप कर सकते हो कि मोटा मोटा कपड़ा लेके जहाँ पे आप सो रहे हो कमर से नीचे या पूरे अपने जगह पे वहाँ पे बिछा सकते हो। और दसवां है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, योगा है, ये सारा कुछ आप कर सकते हो, थोड़ा सा बॉडी आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ हैक हैं। तो हाँ, एक और, जैसे आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द देता है, आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक पैड और ये सारा कुछ नहीं है ना, तो आप चावल को भी थोड़ा गर्म करके, चावल वाला बहुत अच्छा है, तो चावल थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा फ्राई कर दीजिए, थोड़ा गर्म कर दीजिए, उसको किसी कपड़े में बांध के, मोटे कपड़े में बांध के उसको एकदम अच्छे से बांध लीजिएगा और अपने पेट पे नीचे पे आहिस्ता आहिस्ता करके सिकाई कीजिएगा, तो वो भी थोड़ा आपको रिलीफ करेगा। तो ये थे हमारे कुछ हैक। तो आई होप आप लोग को ये हैक जो है आपके पीरियड के दिनों को थोड़ा आसान बनाए। और एक लास्ट हैक है जो हम अपना बता रहे हैं, जैसे कि हमारी बेबी हुई थी उसके बाद 1-2 मंथ तक हमको पीरियड नहीं हुआ था, तो हम पैड मंगाए ही नहीं थे और घर पे कोई था नहीं, हम क्या करें। तो ये जैसे आप कहीं पे हो, आपके पास कपड़े हों, कॉटन के कपड़े हों, और आपके पास कोई पैड वैड की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कॉटन का मोटा कपड़ा लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए बाई जैसे पैड, एक पैड आता है उस साइज़ पे उसको पूरा शेप में कीजिए और उसको पैंटी के ऊपर लगा के उसको ले सकते हो। तो पर्सनली हमने ऐसा किया था, तो उस समय कोई नहीं था तो लाना पॉसिबल नहीं था, तो ये हम किए थे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आई होप हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको इस पीरियड के दिनों में काफ़ी आराम मिले। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।